हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड की। दोस्तों, आरईसी लिमिटेड 2.56% की तेजी यहां पे दिखाया है प्रीवियस सेशन में। आज यहां पे कंपनी यहां पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी पब्लिश कर रही है। दोस्तों, यहां पे एक तरह से जो यहां पे रैली दिखाने का मेन रीजन है कंपनी के Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स अच्छा आना। यहाँ पे अगर जब भी किसी भी कंपनी का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, कोई कंपनी अगर अपसाइड जा रही है तो उसका जो रिजल्ट्स आने वाला है वो यहाँ पे अच्छा आएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि वो यहाँ पे कंपनी अच्छी रिजल्ट पब्लिश कर सकती है, इसी वजह से स्टॉक में एक रैली देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक ही होंगे जो अगर आप बात करें कि अपसाइड दिखाया लेकिन रिजल्ट्स उसका उतना अच्छा नहीं आ पाया दोस्तों, तो वो यहाँ पे एक तरह से मार्केट एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया, तो उसकी वजह से फिर वापस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आरईसी लिमिटेड की, दोस्तों 100 रुपया 91 रुपया पे जब शेयर इसका था यहाँ पे, उस टाइम से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ और आज के डेट में आप देख सकते हैं 603 रुपया पे इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक साल में 231% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। 5 ईयर्स की बात करें तो 485% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। यानी मतलब अब तक ये स्टॉक बहुत तगड़ा यहाँ पे रिटर्न बना के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे मल्टीबैगर एक तरह से कह सकते हैं ये स्टॉक साबित हुआ है और मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को आरईसी लिमिटेड। यहाँ पे आरईसी लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज जो Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स आने वाला है इस पर आप फोकस जरूर रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपकमिंग रिजल्ट्स डेट टुडे का है। और यहाँ पे पिछले मार्च क्वार्टर की अगर हम डेटा देखें तो मार्च क्वार्टर की डेटा से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि जून क्वार्टर का रिजल्ट्स किस प्रकार से कंपनी दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पे 3062 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 4079 करोड़ होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ 10,223 करोड़ से सेल्स बढ़ के 12,677 करोड़ होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा से इंक्रीज हो रहा है और इनका प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर, वो यहाँ पे एक तरह से देखें तो वो जून क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक तरह से नेट प्रॉफिट था 2,968 करोड़ था और पिछले साल जो इस बार 4,000 करोड़ क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है या 4,000 करोड़ के करीब करीब आपको इनका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो सेल्स 11,088 करोड़ का देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 13,000 करोड़ पार करती हुई नजर आ सकती है। 13,000 करोड़ प्लस यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ 97% का जो यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो इसके बल में देखें तो मार्च में 103% का मार्जिन देखने को मिला था, तो ये मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, तो ये तो बात होगी कि कंपनी का जो Q1 क्वार्टर का रिजल्ट किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में हो गया। लेकिन अभी कंपनी के जो इनके टारगेट हैं वो क्या यहाँ पे और भी अपसाइड जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इसी वीडियो में। दोस्तों इस कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप है जो 1,64,813 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट कैप में तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। 11 के P/E पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अभी के टाइम पर स्टॉक रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो 10% का, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22% का देखने को मिलता है और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 263 रुपया है। तो 263 की बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत बढ़िया देती है, 2.56% का यहाँ पे डिविडेंड देती हुई नजर आती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 53 रुपया 70 पैसा EPS भी जनरेट करती है। तो यहाँ पे EPS भी बहुत अच्छा बनाती है कंपनी। तो यहाँ पे EPS 53 रुपया 70 पैसा बना के दे रही है अपने शेयर होल्डर को। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 52% से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग है और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी तो रहेगा ही कंपनी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पावर सेक्टर को बेसिकली ये कंपनी फिनांस करने का काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छे खासे हैं। 66,717 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है। जो एक तरह से अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे अगर अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे
तो पेट्रोस्की स्कोर 6 पे और ग्राहम नंबर प्राइस है जो 564 रुपया देखने को मिल रहा है। तो ग्राहम नंबर प्राइस है जो इनके इनसे ऊपर और स्टॉक है जो ऑलरेडी निकल चुका है, यानी मतलब कि 600 क्रॉस कर चुका है। FIS एंड DIS की अच्छी खासी हिस्सेदारी भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। REC लिमिटेड के अंदर अगर आप देखे होंगे, पहले मेरा वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ हर एक टाइम पे मैंने कवर करते हुए गया है, और जो लोग यहाँ पे फॉलो किए हैं उनको आज के डेट में एक बड़ा गेन देखने को जरूर मिल रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे REC एक तरह से महा मल्टीबैगर स्टॉक बना है, PSU कंपनी है, बेसिकली एक तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और यहाँ पे बेसिकली एक तरह से मिनी रत्ना कंपनी, आई थिंक मिनी रत्ना, या अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर इन्वॉल्विंग फिनांसिंग जो बेसिकली यहाँ पे मिनी रत्ना, आई होप मिनी रत्ना कंपनी है ये, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है बेसिकली, यहाँ पे आई होप दिखनी चाहिए था लेकिन मे बी दिख नहीं रहा है डिटेल्स, कोई बात नहीं। बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, अगर इसमें मेरी कोई मिसिंग हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट करके। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू कंसिस्टेंट रखे हुए हैं। यहाँ पे FIS की खरीदारी चल रही है, DIS की अगर हम देखें तो थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग अभी भी स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर जरूर आता है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं। मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें इक्विटी कैपिटल 2633 करोड़ का फिलहाल देखने को मिल रहा है, रिजर्व 66717 करोड़ का, बोरोइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बोरोइंग जितना बढ़ रहा है उतना अच्छा है। CWIP में भी कंपनी को वर्क करती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कंटिन्यू करती हुई नजर आती है। टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ कंपनी की अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो की दोस्तों, तो नेट कैश फ्लो मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव में किसी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव खबर है। और यहाँ पे कंपनी के जो एक तरह से अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है ये भी। और वर्किंग कैपिटल डेज 34 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल 1 डेज का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल, और यहाँ पे डेप्टर डेज भी 1 डेज का ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। लेकिन आज के डेट में इस रिजल्ट्स को मिस मत करिएगा जो मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, तो अपना एनालिसिस करें या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। दोस्तों